मैं वरुण बाबुल गोसाईगांव समाचार से, गोसाईगांव समाचार के न्यूज सुपर फास्ट बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए जाने नौगछिया भागलपुर सहित आसपास जिलों की प्रमुख खबरें। नौगछिया पुलिस को मिली बड़ी सफलता, एसपी निधि रानी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जानकारी। बेगूसराय के युवक के साथ नौगछिया अनुमंडलीय क्षेत्र में छिनतई के दौरान गोली मारकर हत्या करने मामले में शामिल खरीक के जमालदीपुर निवासी कुख्यात अपराधी में व्यवसायी से रंगदारी मांग रहे बीरपुर थाना क्षेत्र के सोनबरसा निवासी कन्हैया चौधरी को देसी कट्टा एवं गोली के साथ पुलिस ने गिरफ्तार कर ली। उक्त जानकारी नौगछिया एसपी निधि रानी ने प्रेस वार्ता आयोजित कर दी। तो उसमें केस में एक गिरफ्तारी पिछले सप्ताह हुई थी, जिसमें कि जो उसका फोन है उसका उपयोग किया था, जो उनसे छीना गया था, उसी में एक गिरफ्तारी और हुई है धारो सिंह की। धारो सिंह जो कि पहले भी मतलब कई बार घटनाएं किया है और अभी जेल से 1.5-2 महीना हुआ है, जेल से बाहर निकला है जमानत पे। पिछले साल उसने जो है एक ऑटो ड्राइवर की हत्या की थी और एक दवा व्यापारी की बाइक छीना था, जिसको हम लोगों ने रिकवर किया था, बाइक को भी रिकवर किया था, उसमें उसकी गिरफ्तारी हुई थी। और काफ़ी हथियारों के साथ में 14 अगस्त के दिन में 2 छोटे हथियार और 2 राइफल के साथ में पप्पू पासवान और धारो सिंह दोनों जेल गए, तो वो जमानत पे छूट गया है और उसने जो है फिर से लूटपाट की घटना करना शुरू किया। तो उसकी संलिप्तता के संदर्भ में केस डिटेक्ट हो गया था जब एक अभियुक्त की गिरफ्तारी उसमें हुई थी। तो धारो सिंह की कल गिरफ्तारी हुई है, जो बगड़ी रेलवे ब्रिज पड़ता है उसके पास से उसकी गिरफ्तारी हुई है। ये जमालदीपुर खरीक थाना क्षेत्र का रहने वाला है धारू सिंह। इसके पास से एक देसी कट्टा, 4 गोली और एक मोबाइल फोन बरामद हुआ है। कल शाम की घटना है कि बीरपुर थाना क्षेत्र में सोनबरसा जो गांव है, मतलब उसके कुछ अपराधी मोहम्मद जुबेर खान का लीची का बगीचा है बहुत, तो उससे लीची बगान में रंगदारी मांगने पहुंचे थे और तो उसी में उनके द्वारा थाना को सूचित किया गया, थाना द्वारा रेड किया गया, तो एक अभियुक्त को हथियार के साथ में उसे पकड़ा गया। कन्हैया चौधरी, पिता मनोज चौधरी, साकिन सोनबरसा, उनकी गिरफ्तारी हुई है। और इसमें चंदन कुमार सोनबरसा का, चंदन से एक देसी कट्टा और एक गोली बरामद हुई है। तो जो 2 घटनाएं हुई थी नौगछिया थाना में, जो दर्ज हुआ था जिसमें फाइनेंस कर्मी जो कि हरियो की तरफ से कलेक्शन करके आ रहा था उसके ऊपर गोली चलाई थी, तो उसमें एक गिरफ्तारी पूर्व में हो चुकी थी, जिसके मतलब जो उसका फोन यूज किया गया था जिसमें। और दूसरी घटना ये जो बेगूसराय के जो 2 युवक थे उनके साथ में, तो दोनों में जो है धारो सिंह का गिरोह शामिल है। धारो सिंह के जो साथी हैं उसमें से कुछ गोपालपुर थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं, जहां पर कि उसका जो फाइनेंस कर्मी जिसके साथ में घटना हुई थी उनका ऑफिस वहां पे है, तो वहां से उन्होंने लिंक निकला कि आज कहां से ज्यादा कलेक्शन होने वाला है, तो उन लोगों ने उस हिसाब से ही उसमें रैकेट किया था। बाकी जो उसके गिरोह के सदस्य हैं जो कि गोपालपुर थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं, उनकी भी पहचान हो गई है, उनके यहाँ भी छापेमारी हुई, लेकिन अभी वो फरार चल रहे हैं, तो उम्मीद है कि जल्दी ही उनकी गिरफ्तारी हो जाए। शिक्षक पुत्र की हत्या करके रेलवे ट्रैक पर जो बॉडी मिली, उसमें क्या कुछ कार्रवाई? देखिए, उसमें जो नेम एफआईआर हुआ है उनके पिता के द्वारा, तो उन्होंने एक महिला और उसके पति पे नेम एफआईआर किया है, तो हम लोगों का जो तकनीकी अनुसंधान अभी तक उसमें चला है, तो उसमें ऐसी बातें सामने आ रही है कि जो युवक है, मृतक जो है, वो कई सारी महिलाओं से और लड़कियों से बात करता था, और गांव में भी जो गुप्त रूप से पता चला है कि मतलब उसका व्यवहार ठीक नहीं था, तो उसी में उन्होंने नेम्ड किया है जिनको उनके यहाँ पे छापेमारी हुआ, तो दोनों अभी फरार हैं, पति पत्नी। लेकिन इसमें अभी हम लोग का अनुसंधान चल रहा है, इसमें और नए तथ्य भी सामने आ सकते हैं, हो सकता है कि कोई और भी इस घटना को अंजाम दिया हो, तो जब तक कि हम लोग उसमें और अनुसंधान नहीं कर लेते हैं, कोई कंक्लूसिव एविडेंस हमारे पास नहीं आता है। उसमें जो उसका मतलब चचेरा भाई भी है और अच्छा दोस्त भी है, उसके द्वारा बताया गया कि भाई उसको वो रात में देर रात तक बात कर रहा था, जो कि प्रूफ भी होता है सीडीआर से और जो भी उसमें कॉल रिकॉर्ड है, और किसी महिला के द्वारा उसको बुलाया गया, तो जिस महिला का उसने नाम बताया था उसी पे नेम एफआईआर हुआ है। लेकिन इसमें और कुछ भी पहलू आ सकता है सामने, अभी हम लोगों का अनुसंधान चल रहा है और जैसे उसमें आगे कुछ कंक्रीट हमको एविडेंस मिलता है तो आप लोगों को बताया जाए।
नवगछिया अनुमंडल पदाधिकारी ने की बैठक, ईद को लेकर विशेष चौकसी व सतर्कता का दिया निर्देश। नवगछिया अनुमंडल पदाधिकारी की अध्यक्षता में ईद उल फित्र के अवसर पर शांति समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें अनुमंडल पदाधिकारी नवगछिया द्वारा सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, सभी अंचलाधिकारी एवं सभी थानाध्यक्ष को निर्देश दिया गया है कि अपने अपने क्षेत्र में ईद उल फित्र के अवसर पर थाना स्तर से शांति समिति की बैठक आयोजित करेंगे तथा बैठक की कार्रवाई अनुमंडल कार्यालय नवगछिया में अनिवार्य रूप से समर्पित करेंगे। ईद उल फित्र के अवसर पर विधि व्यवस्था संधारण के लिए सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचल अधिकारी, थानाध्यक्ष को कई तरह के निर्देश भी दिए गए। भागलपुर, दिल्ली में हुई चोरी में कहलगांव की दो सगी बहनें गिरफ्तार। दिल्ली में हुई लाखों की चोरी के मामले में कहलगांव की दो सगी बहनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। स्थानीय पुलिस की मदद से दिल्ली पुलिस ने दोनों को जगदीशपुर थाना क्षेत्र के मंडल टोली से दबोचा गया। दिल्ली पुलिस दोनों को अपने साथ लेकर गई। दिल्ली के पंजाबी बाग थाना के कुछ दिन पूर्व भीषण चोरी हुई थी, जिसमें कहलगांव के शिव कुमारी पहाड़ निवासी राजकुमार शाह, उनकी पत्नी शोभा देवी एवं सगी बहन बेलन शाह की पुत्री बंटी कुमारी पर 20 लाख रुपए की नकदी और 25 लाख रुपए के आभूषण पर हाथ साफ करने के आरोप हैं। चला है न्यूज ब्रेक का, आइए मिलते हैं 30 सेकंड के न्यूज ब्रेक के बाद। भागलपुर प्रमंडल का एक उत्कृष्ट शैक्षणिक संस्थान दीक्षा इंटरनेशनल स्कूल अफिलियेटेड टू CBSE न्यू दिल्ली, नर्सरी टू 10+2 कोएड इंग्लिश मीडियम डे कम रेसिडेंशियल स्कूल अलोंग विद IIT एंड मेडिकल प्रिपरेशन। दीक्षा इंटरनेशनल स्कूल, इब्राहिमपुर, सबौर, भागलपुर। फॉर एनी इंक्वायरी प्लीज डायल 9934855177 और 7739555। नौगछिया की सुप्रसिद्ध फर्नीचर दुकान माँ अम्बे फर्नीचर सिंधिया मकनपुर लालजी मध्य विद्यालय के सामने एवं तेतरी दुर्गा स्थान के सामने, जहां उपलब्ध है एक से बढ़कर एक पलंग, दीवान, टेबल, कुर्सी सहित फर्नीचर के सभी सामान, साथ ही किस्तों पर भी फर्नीचर उपलब्ध हैं। संपर्क करें गौतम चौधरी, माँ अम्बे फर्नीचर, नौगछिया। आवासीय ज्ञानदीप विद्यालय अत्याधुनिक शिक्षण प्रणाली के तहत अवेलेबल है। आपके आवासीय ज्ञानदीप विद्यालय में 1 से लेकर क्लास 8 तक के लिए कंप्यूटर क्लास की व्यवस्था, साथ ही हॉस्टल फैसिलिटी बेहद ही उत्कृष्ट है। आवासीय ज्ञानदीप विद्यालय, नया टोला, नवगछिया। नवगछिया में पहली बार 8वीं, 9वीं एवं 10वीं की कक्षा, वो भी स्मार्ट क्लास के साथ, ताकि आपके बच्चे सीखे सजीव चित्रण देखकर। संपर्क करें नर्चर क्लासेस, क्रेडल पारामेडिकल इंस्टीट्यूट, थाना रोड, नौगछिया। अभिभावक से विशेष आग्रह, कृपया नामांकन के पूर्व केंद्र का निरीक्षण जरूर करें, ताकि आपका विश्वास ही हमारा सफल योगदान हो। संपर्क करें अमित कुमार, संचालक, नर्चर क्लासेस एवं क्रेडल पारामेडिकल इंस्टीट्यूट, थाना रोड, नौगछिया। रेलवे का फरमान, ड्यूटी अवधि में ट्रेन ऑपरेशन से जुड़े रेलकर्मी नहीं करेंगे स्मार्टफोन का इस्तेमाल। ड्यूटी अवधि में ट्रेन ऑपरेशन से जुड़े रेलकर्मियों को स्मार्टफोन उपयोग पर समस्तीपुर डिवीजन में रोक लगा दी है। स्टेशन मास्टर, ASM, गार्ड, चालक से लेकर गेटमैन सहित ट्रेन ऑपरेशन से जुड़े कर्मियों के लिए यह फरमान जारी किया गया है। समस्तीपुर मंडल के सीनियर DOM अमरेश कुमार ने 24 मई को इस संबंध में पत्र जारी कर दिया है। जारी पत्र में सीनियर DOM ने कहा कि ड्यूटी अवधि में ट्रेन ऑपरेशन से जुड़े कोई भी कर्मी स्मार्टफोन का उपयोग नहीं करेंगे। ड्यूटी अवधि में स्मार्टफोन का उपयोग करते ट्रेन ऑपरेशन से जुड़े कर्मियों को पाया गया तो विभागीय कार्रवाई की जाएगी। सीनियर DMO ने समस्तीपुर मंडल के सहरसा, दरभंगा, नरकटियागंज, मोतिहारी, रक्सौल, सीतामढ़ी, बनमनखी, पूर्णिया, कोट से लेकर अन्य स्टेशनों के परिचालन विभाग से जुड़े अधिकारियों को पत्र भेजकर जारी निर्देश का पालन करने के लिए कहा है। मुंगेर में प्रेमी जोड़ों को पोल से बांधकर दबंगों ने जमकर पीटा, फिर करा दी शादी। मुंगेर जिले में पुलिस अनुमंडल के हरपुर थाना क्षेत्र के गांव में दबंगों ने प्रेमी जोड़ों को पकड़कर पोल से बांधकर जमकर पीट दिया। दोनों को रात भर बिजली के खंभे से बांध कर पीटा गया है। दबंगों ने युवक के सिर पर का आधा बाल एवं आधी मूंछ भी काट दी। रात भर खंभे में बंधे रहने से दोनों की स्थिति खराब हो गई। हालांकि बाद में कुछ ग्रामीणों ने उन दोनों की शादी भी करा दी। मामले में प्रेमी जोड़ों ने हरपुर थाने में थानाध्यक्ष को लिखित आवेदन देकर उनके साथ मारपीट करने वाले आरोपियों
पर केस दर्ज कर कार्रवाई की मांग की है। बताया जा रहा है कि युवक और युवती अलग अलग बिरादरी के हैं और गांव के ही रहने वाले हैं। दोनों में 2 वर्षों से प्रेम संबंध था। नवगछिया रंगराज थाना में शराब किया गया नष्ट। भागलपुर जिला अंतर्गत नवगछिया पुलिस जिला के रंगराज थाना में हाल के ही दिनों में पकड़े गए शराब को नष्ट किया गया। मौके पर रंगरा थाना प्रभारी एवं रंगरा प्रखंड के अंचलाधिकारी सहित कई अन्य उपस्थित थे। सबों की मौजूदगी में शराब को नष्ट किया गया। भागलपुर नगर निगम की ओर से एक और खुशखबरी। 20 जून के बाद हर घर को कूड़ा के लिए भागलपुर नगर निगम देगा 2 और डस्टबिन। जी हां, शहर में सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करने और घरों से गीला और सूखा कूड़ा उठाने के लिए भागलपुर नगर निगम ने पहले से एक योजना तैयार की थी, जिस पर अमल करने को लेकर प्रयास तेज हो गया है। घरों में गीला और सूखा कूड़ा रखने को लेकर नगर निगम क्षेत्र के हर घरों में 2 और डस्टबिन देगा। यह डस्टबिन निगम निःशुल्क देगा। इसके लिए निगम 250 डस्टबिन की खरीद करेगा। इसके खरीद को लेकर 28 मई को टेंडर किया जाएगा। इस डस्टबिन को 20 जून के बाद इसे घरों में बांटना शुरू कर दिया जाएगा। हर घर में ग्रीन और ब्लू कलर का डस्टबिन दिया जाएगा। ग्रीन डस्टबिन में गीला कूड़ा और ब्लू डस्टबिन में सूखा कूड़ा रखा जाएगा। नवगछिया स्टेशन रोड में तोड़फोड़ व प्लेट्स को हटाने के बाद नवगछिया SDM DSP थाना प्रभारी ने की जांच, दिए कई निर्देश। नवगछिया रेलवे स्टेशन रोड में नाला से प्लेट्स हटाकर इधर उधर रखने एवं दुकानदारों की छत्ती तोड़ने की घटना स्थल पर जाकर नवगछिया अनुमंडलाधिकारी एवं आरक्षी उपाधीक्ष RPF इंस्पेक्टर आदर्श थाना नवगछिया के पुलिस इंस्पेक्टर सहित अनुमंडल के थाना प्रभारी ने मामले की जांच की। मौके पर नवगछिया अनुमंडलाधिकारी ने अविलंब नाला साफ कर प्लेट बैठाने के निर्देश दिए। इसके साथ ही मौके पर उपस्थित राजेंद्र यादव ने बताया कि यह अनुमंडल की ओर से एक सराहनीय कार्य है, जिसमें सभी दुकानदार उनके साथ सहयोग करने के लिए तैयार हैं। सब्सक्राइब करें गोसाईगो समाचार चैनल को, साथ ही बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको मिले नोटिफिकेशन तुरंत।